नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। मेरे पास आप सभी स्टूडेंट के लिए कुछ न्यूज़ और अपडेट है 2019 की काउंसलिंग के रिगार्डिंग, जो मुझे आपके साथ शेयर करना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल के 85% स्टेट कोटा काउंसलिंग के बारे में। तो अगर आप वेस्ट बंगाल के हो या आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आप ध्यान से ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट देख लेते हैं वेस्ट बंगाल की काउंसलिंग के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट है wbmcc.nic.in। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन है जो हम देख लेते हैं। यह रेड कलर में अगर आप देखें तो यहाँ लिखा आ रहा है इनरोलमेंट फॉर नीट यूजी 2019 रिगार्डिंग मेडिकल एंड डेंटल सीट हैज स्टार्टेड एंड विल कंटिन्यू टिल मिडनाइट ऑफ 28/6/2019। प्लीज़ रीड द काउंसलिंग शेड्यूल एंड यूज़र मैनुअल। यानी ये जो काउंसलिंग का प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, वो जो शुरू हो चुका है वेस्ट बंगाल के स्टेट में, और ये 28 जून 2019 तक ये रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं काउंसलिंग शेड्यूल, कौन कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करेंगे वेस्ट बंगाल के स्टेट कोटा काउंसलिंग में, सीट कितनी अवेलेबल है, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है। अगर आप कोई हेल्पलाइन नंबर में कॉन्टेक्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपका बटन दिया गया है। काउंसलिंग का प्रोसेस जो है यहाँ पर अवेलेबल किया गया है। पहले आपका एप्लीकेशन करना है, फ़ी पेमेंट करना है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग रहेगी, फिर राउंड वन का सीट मैट्रिक्स आएगा, फिर आपका राउंड वन का रिजल्ट आएगा। उसी तरीके से राउंड टू का प्रोसेस किया जाएगा। यहाँ पर सीट मैट्रिक्स, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन और यूज़र मैनुअल भी अवेलेबल किया गया है। तो यह सब डिटेल आप सब स्टूडेंट के लिए हैं जो वेस्ट बंगाल में एडमिशन लेना चाहते हैं, यह उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पर wbmcc.nic के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है शुरू हो चुका है। आप वहाँ पर जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और ध्यान रखिए यह 28 जून 2019 तक ही रहेगा। तो इतना सा इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो और ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हो तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उन्हें दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।